अभी तक कितना का मोबाइल लेंस यूज़ किया है, 500, 1000, 1200 या 1500 तक। लेकिन आज जो कि मेरे पास आया है अमेज़ॉन से, ये स्काईविक की तरफ से एक तो लेंस है जो कि है स्काईविक सिग्नी प्रो 2। तो इसको मैंने अमेज़ॉन से परचेस किया है 2000 रुपीज़ दे के। ये वाला कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, तो इसका मैं एक छोटा सा क्विक अनबॉक्सिंग करूँगा, फिर इसका बाहर चल के मैं इसका रिव्यू दूंगा। मैं खुद भी एक्सपीरियंस करूँगा कि ये वाला चीज़ एक्चुअल में अच्छा है या नहीं है, अगर ये वाला लेना चाहिए तो किस किस को लेना चाहिए, अगर ये वाला नहीं लेना चाहिए तो क्यों, कौन सा रीज़न है क्यों नहीं लेना चाहिए और किस किस को नहीं लेना चाहिए, हर चीज़ मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। इसीलिए बोल रहे वीडियो को स्किप मत कीजिए, एंड तक देखिए। आप लोगों को बस इतना करना है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितना हो सके इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। जब तक इसका मैं अनबॉक्सिंग करता हूँ तब तक आप लोगों को एक तो काम करना है, ये वाला जो रेड वाला बटन देख रहे हैं नीचे में, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को एक तो लाइक कर दीजिए। तब तक इसका मैं अनबॉक्सिंग करता हूँ। चलिए तो इसका चलिए एक तो क्विक अनबॉक्सिंग कर लेते हैं, खोल के देख लेते हैं कि इसके साथ में क्या क्या आता है, और इसका मैं फुल रिव्यू जो वीडियो है वो मैं बाहर चल के दूंगा। तो इसका चलिए एक तो अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। अनबॉक्सिंग के लिए कोई चीज़ नहीं आता है ये, तो फिर चाबी से इसको खोल लेते हैं। ये बोला इसे खुल जाएगा, ठीक है। ये देखिए तो 2-in-1 लेंस, ठीक है। इसके अंदर में और कुछ नहीं है, इसके अंदर में एक तो बस बिल है इसका और कुछ नहीं है। तो चलिए इसको पहले खोल लेते हैं इसे। ये वाला ये खुल जाएगा, ठीक है। ये देखिए इसका पूरा बॉक्स, ये साइड से ऐसे ये खुलेगा। चलिए इसको खोल लेते हैं पहले ऐसे। ये बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का है, बहुत ही अच्छा है। इसका जो केस है अंदर में वो भी बहुत ही अच्छा है। देखिए इसका केस, नहीं इसका पूरा केस, पूरा ये हार्ड केस है इसका। चलिए इसको, इसमें दो केस आता है, एक तो ये वाला हार्ड केस और एक तो ये नॉर्मल इसका जो पैकेट है, इसको भी खोल लेते हैं। यहाँ पे भी लिखा है सिग्नी, ठीक है। इसको पहले ऐसे खोल लेते हैं। देखिए इसमें एक तो पाउच केस भी आता है कि इसको, और कुछ नहीं है इसमें। चलिए इनको साइड करते हैं और देखते हैं इसका पाउच में क्या है। देखिए ये बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का है, ठीक है। इसको पहले खोल लेते हैं। इसका प्राइसिंग भी बहुत ही ज़्यादा है। देखिए इसको खोलने पे आप लोगों को एक तो क्लिप मिलेगा जो कि ये इस बैग को कैरी करने के लिए है, और यहाँ पे एक तो क्लीनिंग क्लॉथ है ब्लैक कलर का, इसका भी क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। और एक तो ऐसा क्लैम मिलेगा इसका, ये क्लैम माउंट करने के लिए कैमरा को, ठीक है, कैमरा को ऐसे माउंट करने के लिए। और ये वाला है आपका मेन कैमरा, इसका वेट बहुत ही ज़्यादा है, नॉर्मल जो फोन कैमरा इसका नहीं लग रहा। देखिए इसका लेंस देखिए, सच में ये बहुत ही बढ़िया लेंस है, जैसा कैमरा का लेंस लगता है। और ये पूरा मेटल का बना है, देखिए ये वाला दो टो लेंस है, एक तो ऐसे खुल जाएगा, देखिए ऐसे ये खुलेगा। ये वाला हो गया आपका माइक्रो लेंस, और ये दोनों मिला के हो जाएगा आपका वाइड एंगल लेंस। ऐसे करके ये दोनों अगर मिला दे तो ये हो जाएगा आपका वाइड एंगल लेंस। अब जो ये वाला वीडियो देख रहे हैं इसको अगर मैं ऐसे लगा दूं ऐसे नॉर्मली, तो ये आप देख सकते हैं कि ये वाइड एंगल लेंस बन जाएगा। हालांकि मैं इसका टेस्ट वीडियो भी बनाऊंगा बाहर चल के, ऐसे मैं दिखा रहा हूँ ऐसे, और नॉर्मली ऐसे देख सकते हैं। और ये वाला इसमें लग जाएगा ऐसे ऐसे, इसको देखिए ऐसे हो गया, फिर इसको यहाँ पे अटैच करना पड़ेगा। तो चलिए डायरेक्ट बाहर चल के दिखाते हैं। हेलो गाइस, अभी आ चुके ये वाला सिग्नी का जो लेंस है इसको ट्राई करने के लिए बाहर में। तो चलिए इसको पहले खोल लेते हैं, फिर देखते हैं कि ये वाला लेंस, ये वाला इसका माउंट, ठीक है। पहले इसको चलिए अटैच कर लेते हैं फिर दिखाते हैं। देखिए ये वाला लेंस और ये वाला माउंट, पहले इस लेंस का कैप जो है, ये वाला कैप इसको ऐसे ओपन करना पड़ेगा, ये वाला देखिए लेंस, ठीक है। और इसके ये पीछे वाला लेंस, इसको भी ऐसे ओपन कर लीजिए, ठीक है। ऐसे ओपन करने के बाद ये वाला जो माउंट है, इस माउंट में इसको प्लेस करना पड़ेगा, ठीक, बिल्कुल ऐसे ऐसे करके। ये वाला देखिए, ये पूरा लेंस बन चुका है।
अभी देखिए इस लेंस में क्या करता है, अभी देख रहे हैं मेरा जो फ़ोन का फ्रंट कैमरा है उस कैमरा से अभी ये शूट हो रहा है, जबकि ये वाला लगाने पर देखिए कैसा दिखता है। देखिए ऐसे हम इसको थोड़ा सा माउंट कर लेते हैं। देखिए ऐसे ये वाला अगर माउंट कर लिए तो ये पूरा वाइड एंगल एक तो कैमरा बन जाएगा, जहाँ मेरे पीछे मेरे सामने इतना आपका वाइड एरिया मिलेगा। हाँ पर ये थोड़ा सा आप देख सकते हैं ये जो साइड में, ये साइड में जो दिख रहा है ये वाला थोड़ा सा डिस्टॉर्शन दिखेगा, क्योंकि ये लेंस है और लेंस में थोड़ा सा डिस्टॉर्शन रहेगा ही, और वाइड एंगल लेंस में तो थोड़ा सा डिस्टॉर्शन आएगा, लेकिन इसका जो ब्लैक सर्कल है ये ब्लैक सर्कल इसमें नहीं आएगा। ठीक है, और इसका अभी बैक कैमरा से भी इसका थोड़ा शूट कर लेते हैं, क्योंकि मेरे फ़ोन में ऑलरेडी वाइड एंगल लेंस है जो इनबिल्ट आता है फ़ोन में, और ये वाला दोनों का कंपेरिजन करेंगे दोनों में डिफरेंस क्या है। अभी देखिए ये वाला नॉर्मल कैमरा से मेरा शूट हो रहा है, ये कोई वाइड एंगल लेंस यूज़ नहीं हो रहा ना कि फ़ोन का ना कि मेरा ये लेंस में, अभी मेरा नॉर्मल इस फ़ोन के कैमरे से शूट हो रहा है। अभी इस लेंस को मैं लगाऊंगा अपने इस कैमरा में, ये अनकट वीडियो बनेगा। ठीक है, लगाऊंगा और आप देखिएगा कि ये जो नॉर्मल कैमरा लेंस है ये कैसा वाइड एंगल लेंस बन जाता है। ठीक है, आप वेट कीजिए, इसको मैं लगाता हूँ। देखिए देखिए अगर मैं इस लेंस को लगाता हूँ, देखिए तो ये पूरा वाइड एंगल कैमरा ये कवर कर रहा है, ये पूरा वाइड एंगल। नॉर्मल मैं कैमरा के लेंस से भी ये फ़ोटो शूट कर रहा हूँ, लेकिन ये पूरा वाइड एंगल जो है ये पूरा वाइड जो कवर कर रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक। लेकिन आप एक चीज़ यहाँ पे नोटिस कीजिए, ये जो साइड में आप देख रहे हैं ये देखिए मेरा हाथ और ये फ्रंट में मेरा हाथ। ठीक है, ये साइड में आपका थोड़ा सा डिस्टॉर्शन मिलेगा, आप फ़ोन कैसे भी लगा लीजिए। ठीक है, जैसे हम यहाँ फ्रंट में लाते हैं ये फोकस तो करेगा, लेकिन ये साइड में ना डिस्टॉर्शन थोड़ा सा लाएगा। अब देखिए ये पूरा जो जगह देख रहे हैं ये वाला पूरा जगह कैसे कवर कर रहा है, ये वाला देखिए ये पूरा जगह कितना कवर कर रहा है, जबकि मैं इस लेंस को अगर हटा दूँ तो देखिए ये कितना जगह कवर कर रहा है। आपको इस लेंस में पूरा वाइड एंगल मिलेगा, लेकिन इस लेंस में थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा कि आपका इसमें थोड़ा सा डिस्टॉर्शन मिलेगा। डिस्टॉर्शन क्यों मिलेगा, एक्चुअली ये वाइड एंगल लेंस है इसीलिए आपको थोड़ा सा डिस्टॉर्शन मिलेगा, और इसके अंदर ही और एक तो लेंस होगा जिसको कहते हैं माइक्रो लेंस, तो इसका थोड़ा सा कुछ माइक्रो शॉट्स मैं देख लेता हूँ और आपको साइड बाय साइड कंपैरिजन मिल जाएगा कि वाइड एंगल लेंस फ़ोन का और इसमें क्या कंपैरिजन है फ़ोटो और वीडियो दोनों में। तो चलिए कुछ शॉट्स देख लेते हैं। अभी देख सकते हैं ये वाला मेरा फ़ोन का जो वाइड एंगल कैमरा है उस कैमरा से ये वाला शूट हो रहा है। मेरे हाथ में वही वाला लेंस अभी भी है, मैंने लगाया नहीं है, लेकिन ये वाला जो शूट है ये मेरा जो ऑलरेडी इनबिल्ट कैमरा है वाइड एंगल लेंस जो कि मेरा फ़ोन में है उसी लेंस से ये वाला अभी शूट हो रहा है। आप देखिए ये पूरा जगह सेम टू सेम अभी जो दिखाया आपका उतना ही जगह ये कैप्चर कर रहा है, लेकिन इस फ़ोन में जो इनबिल्ट वाइड एंगल लेंस है इसमें कोई डिस्टॉर्शन उतना ज़्यादा देखने के लिए नहीं मिलेगा। हालांकि ये वाला लेंस बहुत एक्सपेंसिव और बहुत अच्छा क्वालिटी का है, जो कि आपको एकदम सेंटर में बहुत ही खूबसूरत जो वाइड एंगल है वो वाला ला के देगा फ्रंट कैमरा में। और मैं ये वाला लेंस क्यों रिकमेंड कर रहा हूँ उन लोगों के लिए जो लोग अभी फ़ोटोग्राफी वीडियोग्राफी कर रहे हैं और जो लोग अभी ब्लॉगिंग शुरू किया है उस लिए, क्योंकि जो इनबिल्ड वाइड एंगल लेंस होता है वो बहुत ही कम रेजोल्यूशन का होता है, उसमें उतना अच्छा वीडियो आउटपुट आप लोगों को नहीं मिलेगा जो कि आपको प्राइमरी कैमरा से मिल सकता है। इसीलिए प्राइमरी कैमरा को आप लोग ऐसे वाइड एंगल भी यूज़ कर सको, इसीलिए ये वाला लेंस मैं रिकमेंड कर रहा हूँ। लेकिन आपका अगर वाइड एंगल लेंस ऑलरेडी अच्छा है तो इसका कोई अभी काम नहीं है वाइड एंगल वाला का। ठीक है, अभी मैं माइक्रो का ये नहीं बोला, सिर्फ वाइड एंगल वाला का। ठीक है, अभी माइक्रो का मैं कुछ शॉट्स लूँगा और कुछ वीडियो सैंपल लूँगा, फिर आप लोगों को दिखाता हूँ कि ये वाला वाइड एंगल तो हो गया, माइक्रो लेंस अभी कैसा है। अभी देखिए मेरे फ़ोन में माइक्रो लेंस है,
इनबिल्ट माइक्रो लेंस है। अभी इस जो फ्लावर को आप देख रहे हो, इस फ्लावर को मैं दोनों लेंस से कैप्चर करके देखूंगा कि साइड बाय साइड कौन सा माइक्रो लेंस अच्छा है। मैं ये जो प्राइमरी कैमरा है जिससे अभी शूट हो रहा है, इस लेंस से मैं ट्राई करूंगा इसको माइक्रो में कन्वर्ट करने की इस लेंस के थ्रू। और मेरे फ़ोन में जो माइक्रो लेंस है वो 5 मेगापिक्सल का माइक्रो लेंस है, तो दोनों में देखते हैं कि साइड बाय साइड कंपैरिजन क्या आता है। तो चलिए कुछ शॉट्स देख लेते हैं। देखिए अभी जो ये शूट हो रहा है फ़ोन की सुपर माइक्रो लेंस जो 5 मेगापिक्सल आता है, उस 5 मेगापिक्सल के ये वाला लेंस से अभी ये शूट हो रहा है। ये जो फ्लावर आप देख रहे हैं ये वाला, ठीक है, ये वाला आपका फ़ोन का 5 मेगापिक्सल लेंस में ये वाला शूट हो रहा है। अभी जो फ़ोन का 5 मेगापिक्सल लेंस है उस लेंस से शूट हो रहा है। अभी चलिए इस लेंस को लगा के देख लेते हैं कि इसमें क्या आउटपुट आता है। अभी देखिए ये वाला जो मेरा जो लेंस है स्काईविक का, उस स्काईविक की लेंस से ये वाला पूरा आउटपुट है। देखिए ये पूरा जो आउटपुट है वो वाला स्काईविक की लेंस का पूरा आउटपुट है। आप देख सकते हैं कि साइड बाय साइड कंपैरिजन कौन सा बेटर क्वालिटी निकल के आता है। ऑब्वियसली इस लेंस का जो माइक्रो लेंस बहुत ही तगड़ा इसका फ़ोटो निकल के आता है, जो आप देख सकते हैं इसका बहुत ही तगड़ा फ़ोटो निकल के आता है। अभी ये वाला लेंस किस किस को लेना चाहिए और किस किस को नहीं लेना चाहिए वो वाला थोड़ा सा बोल देता हूँ कि ये वाला लेंस किस किस को लेना चाहिए और किस किस को नहीं लेना चाहिए। एक्चुअल में जो लोग अभी नया नया ब्लॉगिंग शुरू किए हैं, नया नया वीडियोग्राफी फोटोग्राफी में इंटरेस्टेड हो, उन लोगों के लिए ये वाला लेंस बहुत ही बढ़िया है। लेकिन ये लेंस लेके मैं बहुत ही अच्छा फोटोग्राफर बन जाऊँगा, एकदम A1 क्वालिटी फ़ोटो आएगा, नहीं, इसके लिए आपका फ़ोन का कैमरा अच्छा होना चाहिए, ठीक है। और अगर आपका फ़ोन का कैमरा अच्छा है, वाइड एंगल कैमरा भी इसका अच्छा है, तो ये वाला लेंस लेने का कोई मतलब नहीं है 2000 रुपीज़ दे के, ठीक है। और कोई भी अगर ये लेंस लेना चाहे तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे दूंगा, अगर कोई लेना चाहे तो ले सकते हैं। लेकिन ये बहुत ही बढ़िया लेंस है, ठीक है। और इसका जो माइक्रो लेंस है ना, ये नेक्स्ट लेवल वाला माइक्रो लेंस जो आउटपुट निकल के आता है बहुत ही अच्छा है। और जो लोग चाहते हैं कि ये वाला लेंस लेना, तो मैं लिंक तो दे ही रहा हूँ, तो वहाँ से ये वाला आप बाय कर सकते हो। और ये लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए ये अपने अपने ऊपर डिपेंड करता है। मेरा ओपिनियन है कि इसका वाइड एंगल जो कैमरा है उतना खास मुझे लगा नहीं है, लेकिन इसका जो माइक्रो लेंस है ये बहुत ही बढ़िया है, नेक्स्ट लेवल वाला फ़ोटो निकल के देता है ये वाला। तो इसलिए ये वाला मेरी तरफ से A1 क्वालिटी है, ठीक है, ये वाला मेरी तरफ से A1 क्वालिटी का लेंस है। तो ये 2000 रुपीज़ में, ठीक है, कुछ ख़राब नहीं है, ये 2000 रुपीज़ दे के ये वाला लेंस बहुत ही बढ़िया है। तो चलिए इस वीडियो का इतना ही, जितना हो सके इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसका इस लेंस का कुछ फुटेज देख लेते हैं।